है आपका हमारे चैनल उषा किचन रेसिपी में। मेरे हस्बैंड आयुर्वेदिक वेद है और ये आपको बताएंगे जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाना, जो ये कोरोना वायरस चल रहा है उसमें काम आएगा। लेकिन ये काढ़ा कोरोना वायरस के अलावा दूसरी बीमारी में भी काम आता है, जैसे सर्दी जुकाम बुखार आदि बीमारियां। चलिए फिर काढ़ा बनाएं। नमस्कार, मैं शशिकांत शर्मा आज आपको घर का नुस्खा बताने वाला हूँ जो शरीर में रोग प्रतिरोध बढ़ाने में काम करेगा। जो आज देश में महाबीमारी फैल रही है या कोरोना वायरस से शरीर में रोग प्रतिरोधक कम हो जाते हैं। आपके शरीर में रोग प्रतिरोध बढ़ाने में आयुर्वेदिक नुस्खा काम करेगा। अपने शरीर में बुखार खांसी जुखाम आदि में ये नुस्खा काम आएगा। ये नुस्खा आप अपने घर पर बना सकते हो। मैं आपको विधि बताता हूँ इसमें कौन कौन सी जड़ी बूटी काम आएगी। मुनका दाग 5 ग्राम, मुलेठी 5 ग्राम, नीम गिलोय 5 ग्राम, काली मिर्च 5 ग्राम, तुलसी के पत्ते 5 ग्राम, लौंग 5 ग्राम, दालचीनी 5 ग्राम, कुटकी 5 ग्राम, चिरायता 5 ग्राम, हल्दी 5 ग्राम, 10 मूल कुआत 50 ग्राम, अदरक 20 ग्राम, धनिया 20 ग्राम। ये सभी जड़ी बूटियों को लेकर एक साथ मिक्स करें। सभी जड़ी बूटी मिक्सी के जार में डालें। अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। इसको बारीक ग्राइंड करना है। हमने ये पतीला लिया है। इस पतीले में 4 लीटर पानी लिया है और उसके बाद में हमने अपना जो जड़ी बूटी वाला महीन पाउडर इसके अंदर डालेंगे। अब हम इसको ढक के रख देते हैं और शेष 1 लीटर रहेगा जब तक उसको उबालेंगे। ये अपना क्वाथ तैयार हो रहा है, ऐसे तैयार करना अपने को। ये अपना क्वाथ बन के तैयार हुआ। अब इसको नीचे उतारें और कपड़ छान कर लें। अब इसको कपड़े से छान लीजिए क्वाथ को। ये अपना क्वाथ छान के तैयार हो गया है। आप अपने घर में कोई कांच की बोतल हो उसमें ये डाल लें और 10 साल से बच्चे नीचे हो उसको 10 ml और 5 ml दे सकते हैं। 10 साल से ऊपर हो 20 से 25 ml सुबह शाम खाली पेट खाने के 1 घंटे पहले देवें और आधे घंटे तक कुछ न खिलाएं। प्रतिरोधक बढ़ाने के लिए अच्छी दवा है। खांसी जुकाम और बुखार के लिए 1 नंबर की दवा है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर देख लीजिए, कृपया इस पर फ़ोन कर लीजिए। आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो फ़ोन पर बात कर लीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए। कृपया आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो किसी की भी जान बन सकती है। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो इसे।